सो गाइस हमारी सुबह की शुरुआत हुई मैगी से। उसके बाद में हम निकल चुके थे जयपुर घूमने के लिए। आज हमारा जयपुर में था डे टू। डे वन का व्लॉग आ चुका है, जिसने नहीं देखा जाके देख लो। तो आज हमारा था डे टू। आज हम पूरे दिन घूमने वाले थे, तो आज का व्लॉग बहुत बड़ा है, तो पार्ट्स में आ सकता है। तो चलो चलते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन। आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मेट्रो का, तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं मेट्रो में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस यहाँ पे भैया ले रहे टिकट। तो गाइस अभी ऊपर आ चुके हैं अपना टिकट लेके, और अभी बड़ी चौपड़ के लिए आने वाली है हमारी मेट्रो। तो ये क्या है, मेट्रो चले हुए इतने सालों का, लेकिन मैं पहली बार बैठूंगी। तो अभी चलते हैं, चलते हैं। मतलब मैं जा रही हूँ, मुझे पता आप लोग तो कहाँ से जाओगे, कभी आना साथ में चलेंगे। मतलब मैं तुम्हारे पैसों से भाई, मेरे पैसों से क्यों। अबे साले, अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं सब। चले फिर चलते हैं मेट्रो से, फिर कहाँ जाना है मुझे भी नहीं पता। आगे मार रे साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। आगे बताते हैं, ठीक है भाई। तो फाइनली गाइस मेट्रो आ चुकी है, अब हम चढ़ेंगे इस पे। Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. So finally, guys, I'm here. Hawa Mahal. I'll show you. It's very good. I went to school in childhood. After that, I went to school. भाई मुझे छोड़ के मत जा यार, मैं खेली रह जाऊंगी। भाई हम ये छोटे बच्चे को पीछे नहीं छोड़ते भाई, छोटे बच्चे को आगे रखना चाहिए, आप पकड़ के रखना चाहिए। मुझे तो हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ पे फोटो खिंचाते हुए राजस्थानी ड्रेस में, पता नहीं कौन है, मुझे क्या पता। बट ये फोटो मैंने भी बचपन में खिंचवाई थी एक बार चित्तौड़गढ़ में। भैया जी आपने अभी क्या बोला, वापस बोलना क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया। तो हमने ये बोला है गाइस कि अभी हम घूमने आए हैं हवा महल, और इधर पीछे थोड़ा शॉपिंग वगैरह का है। तो अब मैंने बोला कि मेरी तरफ से तू और एक्स गॉड कोई से भी एक चीज ले सकते हैं। एक शर्त है, वो शर्त में है कैमरे पे भी बता सकता। और ठीक है गाइस, अब क्या ही बोल सकता हूँ, खर्चा करवाएगी तो कराना ही पड़ेगा फिर। तो इतने दूर आए भी हम, देखते जाएंगे तो जो भी रहेंगे देखेंगे। अभी एंट्रेंस के लिए टिकट लेते, चलो हर चीज का टिकट लेते हैं यहाँ पे। टिकट तो लगता ही रहेगा, इसके कैमरे में आने की भी टिकट दो। ये क्या बात करता है यार। Thank you.
गाइड, ये मेरा सस्ता गाइड है, ये सस्ते गाइड पैसों वाला गाइड है, रुपया भी नहीं दिया ले सकता है तो चाहे तो, मगर पैसों की कमी नहीं है ना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, बस रुपयों की कमी है। तो गाइस अभी जो आपने देखा वो हमारा राजस्थानी का पपेट शो है, कठपुतली वाला, बहुत बढ़िया है। बट अभी चल लेगा, अभी हवा महल के अंदर है भाई, हवा महल में हवा खाने आया और कुछ नहीं। और वो भी गाइस 200 रुपए का टिकट, 200 रुपए का टिकट लगाओगे भाई, मतलब राजस्थानी तो टिकट में ही है बस, कि कहीं में भी जाओ बस टिकट तो लगती है। नहीं भाई, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, जितना राजस्थान के पास में इतिहास है ना, किसी के पास नहीं है, इसी बात पे नहीं। अभी एक्सपोर्ट ने मुझे बोला कि अपन से ज्यादा तो अंग्रेज है यहाँ पे, सिंपल ऑब्वियसली बात है ना, पास में है क्या देखिए, सैवेज प्रो सैवेज, गजब बेइज्जती है। सच बात है यार, सही बात है, वो छोड़ के नहीं गया, आप यहाँ पे देख सकते हो इनका रास्ता कितना खतरनाक है भाई, सब बढ़िया। और ये पुराने जमाने खिड़की दरवाजे कितने, कितनी प्यारी खिड़की है यार, तो छोटी सी भाई साहब, मन कर रहा है इसको घर पे ले जाओ। अच्छा, मतलब सच में बहुत प्यारी है। अरे भैया मुझे ये खिड़की चाहिए, अब ला के दो पैसे भी, बस ला के दे दो, घर पे लेके जाओ, रास्ता भी अच्छा रहता नहीं। उजाले से निकल के हम जा रहे हैं घने अंधेरे में, और इधर है गुफा। ओए भूत, मैं डर रहा हूं। हां गाइस, चुड़ैल का भी भूत से थोड़ी मिलती है वो बात भी देख लो गाइस, नहीं घूम लोगे नहीं आपको देख गया वैसे चुड़ैल तो गट चुड़ैल नहीं देख सकते गाइस, हिमाचल शक्ल दिखाई मुझे उनके, क्या मैं किसी चुड़ैल से कम हूँ क्या? मेरी बहन किसी चुड़ैल से कम है क्या? नहीं। वाओ, व्हाट अ खिड़की है।
बॉय हे बॉय हे बॉय हवा महल देखने के बाद हम पहुंच चुके थे बापू बाज़ार। हवा महल के ठीक पास में बापू बाज़ार पड़ता है, एक बार आप विज़िट ज़रूर करना। अच्छा है, ठीक ठीक है, मेरे को तो ठीक लगा, लेकिन हाँ देखने लायक है, अच्छा खासा है। शॉप्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे जो पास में जो लड़की आ रही है वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल करती है। ये कुछ सेल कर रहे थे शायद, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ सेल करते हैं, और ये बाज़ार आपको अच्छा खासा दिख जाएगा, मतलब देखने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लाइक झुमकास अगर गर्ल्स को कुछ चाहिए होता है तो। बाकी दिखने में सारी सेम है। उसके बाद में हमने खाया फालूदा, क्योंकि गर्मी बहुत थी, और अगर आप लोग भी बापू बाज़ार जाते हो तो इस शॉप से फालूदा ज़रूर खाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद में हमने बापू बाज़ार से एक गोलगप्पे खाए। आप लोगों ने सोचा कि मैं उस टाइम क्यों नहीं बोल रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरी बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो गाइज अब हम हो चुके हैं बापू बाज़ार से फ्री, हमने खूब सारे सामान लिए। मुझको आईफोन 13 प्रो दिला दिया, एक जगुआर दिला दिए, एक ऑटो दिला दिया जिसमें मैं अभी हूँ। इतना मत फैल, फिर भी तुम ई रिक्शा में क्यों जा रहे हो? वो जगुआर तो मैं पेपर स्मेल कर रही हूँ, जगुआर बोली थी, बीएमडब्ल्यू बोली थी, मतलब दो बोली थी। ये फंस गया सी है, पेपर सभी है। Thanks for watching. Stay connected for part 2.